नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील गर्ग है और मैं दुबई में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोविड-19 में होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में जो आपके मन में सवाल आते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे बुखार है और मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, क्या ये कोविड हो सकता है? तो इसमें मेरा जवाब यह है कि हाँ, ये कोविड हो सकता है, क्योंकि फाल्स नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आर नॉट अनकॉमन। एंड इफ यू हैव एनी सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड लाइक फीवर और कॉफ, इट इज कोविड ओनली इन द करंट सिचुएशन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मुझे अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कब कराना चाहिए? तो इसके लिए दो सिचुएशन है, या तो आपको कोविड के सिम्टम्स हैं जो कि फीवर, कॉफ, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आपको अपना कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर के थ्रू कराना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर वैक्सीनेशन स्टेटस और प्रायर इन्फेक्शन। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोविड हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपको भी तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मुझे अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कब रिपीट कराना चाहिए? तो इसका जवाब ये है, इफ योर एनी आर टी पी सी आर टेस्ट इज पॉजिटिव विद इन लास्ट 2 वीक्स वाइल यू हैव एक्टिव डिजीज, इन सच सिचुएशन देर इज नो नीड टू रिपीट द टेस्ट। बट इफ योर नन ऑफ द अर्लियर टेस्ट आर पॉजिटिव एंड यू स्टिल हैव सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड, देन इट कैन बी रिपीटेड। क्या मेरे दो आर टी पी सी आर टेस्ट रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं एक ही इलनेस के समय, या एक ही दिन में या एक दो दिन के इंटरवल पे? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आपके दो आरटीपीसीआर रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे वो आपने एक दिन में कराए हों या चाहे एक दो दिन के इंटरवल पे कराए हों। एज फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आर नॉट अनकॉमन ड्यू टू वेरियस रीजंस इन कोविड, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव रिजल्ट्स वाइल यू आर एक्टिवली इन्फेक्टेड। फॉल्स नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट मतलब आपको कोविड की बीमारी है लेकिन आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं सब ऑप्टिमल स्पेसिमेन कलेक्शन, टेस्टिंग टू अर्ली इन दी डिजीज प्रोसेस, लो एनालिटिक सेंसिटिविटी, इनअप्रोप्रिएट स्पेसिमेन टाइप, लो वायरल लोड एंड वेरिएबिलिटी इन वायरल शेडिंग। अभी हमने फॉल्स नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करी, अब हम बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की। तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू हैव पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट विदाउट एनी सिम्टम्स? इट इज पॉसिबल। व्हेन इट इज पॉसिबल? इफ यू आर एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक विद कोविड, मतलब आपको कोविड की बीमारी तो है लेकिन आप एसिम्टोमेटिक हैं, या आपके अभी सिम्टम्स अपियर नहीं हुए हैं, आप प्री सिम्टोमेटिक फेज में हैं, योर टेस्ट रिजल्ट मे बी फॉल्स पॉजिटिव। दो इट इज लेस लाइकली बट इट मे अकर, इट कैन हैपन ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ सैंपल, और यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड डिजीज, टेस्ट मे बी पॉजिटिव फॉर सम टाइम। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है, मैं इस चीज को कैसे एनालाइज करूं? तो इसका जवाब है, इट इज प्रूडेंट टू एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू पॉजिटिव, मतलब आपको कोविड पॉजिटिव है। इफ यू हैव हैड एक्सपोजर टू समबडी हु हैज बीन शोन और सस्पेक्टेड ऑफ हार्बरिंग द वायरस, मतलब आप किसी एक ऐसे इंसान से या इसी किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट में आए हैं जिसको ये बीमारी है या हो सकती है, और आप ऐसी कंडीशन में और ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ कोविड की बीमारी काफी ज्यादा फैल रही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन।